पता चल जाएगा। चलिए जम्मू के दृश्य देखते हैं। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। सभी को मालूम ही है कि पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने आज सुबह जिस प्रकार से राजौरी के अंदर और आज पूरे देश के अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, बहनें अपने भाइयों को आज राखी बांध रही हैं, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में या आर्मी में या दूरदराज इलाकों में हैं उनको बहनों ने आज रक्षाबंधन जो है वो भेजे हुए हैं। ये त्यौहार जो है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, लेकिन आज के दिन हमारे वो तीन जवान जिन्होंने आज अपनी बहन के द्वारा भेजा गया रक्षाबंधन जो रक्षा सूत्र वो बांधना था, उससे पहले ही इन कायर आतंकवादियों ने उन हमारे सेना के तीन जवानों को शहीद कर दिया और पांच जो है वो घायल हैं। ये सब पाकिस्तान के इशारे पे हो रहा है, और हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ नेता बार बार लगातार केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। जो लगातार हमारे सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवानों को निशाना बना रहे हैं आतंकवादी, और जो देश उनको समर्थन कर रहा है उनसे बातचीत होनी चाहिए, या उनको गोली मिलनी चाहिए, या उनके ऊपर बम पड़ने चाहिए, यह निर्णय जो है यह केंद्र सरकार ने अब करना चाहिए। क्यों केंद्र सरकार मूर्तक्षेप बने केवल हमारे सैनिक शहीद होते जा रहे हैं उनको देखे जा रही है, और जो नेता पाकिस्तान से बातचीत करने की हिमायत करते हैं मैंने उनके ट्विटर भी देखे, अभी तक किसी ने भी उन शहीदों को श्रद्धांजलि अपने ट्विटर हैंडल पर नहीं दी जो पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करते हैं और अपने आप को हिंदुस्तानी दर्शाते हैं। इस प्रकार से नहीं चलेगा इस देश के अंदर। इन आतंकवादियों की हमारी सेना जो है वो मुंह तोड़ जवाब तो दे रही है, हमारी पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो लगातार इन आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार को भी इसके ऊपर कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा कि इस पाकिस्तान का क्या करना है, इस पाकिस्तान को किस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब जो है वो केंद्र सरकार ने देना है। तब तक के लिए आप बने रहें आज खबर के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिश शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।